हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शानू। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस नोवा ट्रिमर, जिसमें आपको मिलता है एक डिटेल ट्रिमर, बॉडी सेवर एंड ट्रिमर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, सो मैं पहले इसकी अनपैकेजिंग करने जा रही हूँ। सो ये रहा हमारा ट्रिमर का पैकेट। इसकी पैकेजिंग कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपको मिलता है ये छोटा सा ब्रश, ये है कॉम्ब अटैचमेंट, फिर इसमें आपको मिलता है एक मैनुअल जिसमें आपको बताया गया है आपको कैसे यूज़ करना है ट्रिमर, किस तरह से किसी से इसे बचाना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस सब कुछ इसमें दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है ये मेन यूनिट। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये हमारा ट्रिमर है जिसकी ट्रिमिंग रेंज है 0.5 to 10 mm। इसके ऊपर एक कॉम्ब लगा हुआ है, इसकी हेल्प से ये ट्रिम करता है। ये कॉम्ब हटाने पर आपको सेवर मिल जाएगा, जिससे आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ हमें मिलती है एक बैटरी, ड्यूरासेल की बैटरी है ये, और हमें मिलता है साथ ही साथ एक डिटेल ट्रिमर। जिसे आईब्रो ट्रिमर भी कहते हैं। इसमें आपको दो ब्लेड्स मिलती हैं, एक 16 mm की और एक 6 mm की। ये हमें मिलता है एक क्लीनिंग ब्रश और मिलता है हमें साथ में एक ब्यूटी कैप फॉर आईब्रो ट्रिमर। एंड दैट्स ऑल। बैटरी लगाने के लिए हमें इस पार्ट को निकालना है। मैनुअल में आपको सारा कुछ दिया गया है कैसे आपको बैटरी लगानी है, कैसे यूज करना है। सो यहाँ से यह पार्ट खुलता है, यहाँ पे एरो दिए गए हैं जिससे आपको पता चलता है कैसे इस पार्ट को अलग करना है। सो आइए अब मैं आपको इनके डिटेल्स देती हूँ। यहाँ पे हमारा है ट्रिमर। ये कॉम्ब हटाने के बाद आपको मिलता है सेवर, जिससे आप सेव कर सकते हो। ये हमारे पास है आईब्रो ट्रिमर। इस बड़े वाले ब्लेड से आपको अपर लिप्स पे यूज़ करना है, फेशियल लेयर्स के लिए यूज़ करना है, छोटे वाले से आपको आईब्रो के लिए यूज़ करना है। आपको मिलता है ब्रश जिससे आप आईब्रो ट्रिम कर सकते हो। आपको जस्ट इसको खोलना है, इसमें एडजस्ट करना है और बस टाइट फिट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे आपको अपने हैंड्स पे यूज करके बताऊंगी। तो ये रहा मेरा हाथ, आप देख सकते हो कितने लंबे लंबे भालू जैसे बाल हैं। सो देख लो आप इतने लंबे लंबे बाल हैं। इसे हम सबसे पहले ट्रिम करेंगे। ये रहा हमारा ट्रिमर जिसे ऑन किया। मैं सबसे पहले ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ। हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रिमर यूज करना है, बहुत ही स्मूथली। रिजल्ट देख सकते हो, एक साइड के मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं और जहाँ मैंने ट्रिम किया है वहाँ बहुत ही छोटे हो गए हैं। ट्रिम इसने बहुत ही अच्छे से किया है। सो इसे मिलते हैं 10 out of 10। हम इसे एज अ सेवर यूज करेंगे, इसके लिए हमें कॉम हटा लेना है और क्लीनिंग ब्रश से इसे साफ कर लेना है। ब्लेड की रेंज है 0.2 mm। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ सेवर, बहुत ही स्मूथली आपको हेयर्स दिखेंगे।
दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। तो इसने बहुत ही अच्छे से हेयर्स निकाल दिए हैं, बहुत ही क्लीन सेव किया है। आपको टच करने पे हल्का हार्स फील हो सकता है, अदरवाइज देखने में ये बहुत ही क्लीन लग रहा है। नेक्स्ट हम आईब्रो ट्रिम करेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे हम आईब्रो ट्रिमर, जिसमें आपको दो ब्लेड्स मिलती हैं, 16mm की और 6mm की। छोटे वाले ब्लेड का रेंज है 16mm और बड़े वाले का है 6mm। सो हम इसे अपने आईब्रो पर ले जाएंगे और आईब्रो के हेयर ग्रोथ के अगेंस्ट डायरेक्शन में हम इसे ट्रिम करेंगे। आपको 16mm वाला ब्लेड यूज करना है, उसमें कॉम्ब लगाना है। कॉम्ब अटैचमेंट आपको अपने आईब्रो पर ले जाना है। आईब्रो के हेयर ग्रोथ के जस्ट अपोजिट अगेंस्ट डायरेक्शन में हमें इसे ले जाकर ट्रिम करना है। ये बहुत ही अच्छे से ट्रिम करता है हमारे आईब्रो को। सो अब हम यूज़ करेंगे 6mm वाला ब्लेड अपने फेशियल हेयर्स के लिए। अब हम यूज़ करेंगे डिटेल ट्रिमर अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। इसके लिए आपको ब्लेड लेनी है 6mm वाली। आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ले जाना है स्मूथली, धीरे धीरे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपको। सो इसने हेयर्स तो निकाल दिए, आपको दिखेगा भी, आप देख सकते हो इस पर छोटे छोटे हेयर्स आ चुके हैं। जब आप अपने स्किन को टच करोगे तो ऊपर से नीचे जाने वक्त आपको थोड़ी सी रफनेस फील होगी, बट नीचे से ऊपर टच करने में आपको बहुत ही स्मूथनेस फील होगी। अब हम ट्रिमर यूज करेंगे अपने ईयर के पास वाले हेयर के लिए। आपको ये ट्रिमिंग बहुत ही अच्छे से करता है, बट शेविंग के टाइम ये थोड़ा सा डिटेल नहीं कर पाता है। अब मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ यहाँ के हेयर्स, आप डिटेल से देखना ये कैसे सेव कर रहा है। इसने मेरी स्किन को पकड़ लिया, पता नहीं कैसे। आप यहाँ रेडनेस देख सकते हो मेरे चिक्स पे, शायद मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स लगा दिया इसकी वजह से। आप हेयर्स देखो कैसे इसने सेव कर दिया है। सो अब हम इसे यूज करेंगे अपने अपर लिप्स के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ले जाना है इस छोटे वाले ब्लेड को स्लोली स्लोली। ये आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रिम भी करता है और सेव भी करता है। सेविंग में डिटेल नहीं दे पाता है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस ये बहुत ही अफोर्डेबल लगा मुझे। आईब्रो के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको आईब्रो का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको फिर से दूंगी इसका फुल वीडियो, कैसे आप अपने आईब्रो भी बना सकते हो, साथ ही साथ पूरे फेशियल हेयर का ट्यूटोरियल। सो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।